आइए आज हम लोग एक पोयम पढ़ते हैं, जिस पोयम का शीर्षक है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पोयम के पोएट हैं H.W. Auden। इस कविता में कवि ने कुछ बातें बताई हैं जो प्रकृति से संबंधित है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोयम रिटन बाय H.W. Auden। इट इज अ फाइन लिरिक, इट इज अ सिंपल पोयम अबाउट नेचर। पत्ते तेजी से झर रहे हैं या गिर रहे हैं नामक कविता H.W. Auden द्वारा लिखी गई है। यह वास्तव में एक सुंदर गीत है, इसे संगीत के साथ गाया जा सकता है। इस पोयम में प्रकृति के बारे में बताया गया है। देखें प्रकृति का कवि किस रूप में वर्णन करते हैं। When the autumn season comes, the leaves start falling fast. Some small branches start to come. Leaves fall down from branches and cover the ground. All the trees are covered with snow. It is a very beautiful sight. जब ऑटम्न सीजन आता है तो पत्ते तेजी से झरना शुरू हो जाते हैं, तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी समय पेड़ों पर छोटी छोटी डालियां उसके बाद निकलना शुरू हो जाती है। पत्तियां जो पेड़ों से गिरती हैं, टहनियों से गिरती हैं, वह पूरे भूमि को ढक लेती हैं और पेड़ जो होते हैं वह पेड़ पूरा बर्फ से ढक जाता है। यह एक सुंदर दृश्य होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आता है, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर बिछ जाती है। ज़मीन पर जो पत्ते गिरे होते हैं वह भी बर्फ़ से ढक जाते हैं। एक सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज बिकम लीफलेस, द नाइटिंगल बिकम्स डम टू सी दिस सीजन, द ट्रीज लुक लाइक डेड। पेड़ की जो डालियां होती हैं वो पत्ते विहीन हो जाते हैं, पत्तियां विहीन हो जाती हैं। ऐसे स्थिति में जो बुलबुल होती है वह भी गूंगी हो जाती है, पेड़ सारे मृत प्राय नजर आते हैं, मरे हुए जैसे लगते हैं। वास्तव में नाइटिंगल भी तब गाती है जब मौसम सुहावना होता है। इस समय का मौसम ऐसा होता है जिसे देखकर कहें तो नाइटिंगल भी शोक मनाती है, उसके भी कंठ से गीत नहीं फूटते हैं, वह भी सुंदर स्वर में नहीं गा पाती है। सारे पेड़ के टहनियाँ बिना पत्तों के नज़र आते हैं, सारे वृक्ष मृत प्राय नज़र आते हैं। ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक ए लीफ विच फॉल्स फ्रॉम ए ट्री। ह्यूमन लाइफ स्टार्ट एज ए बेबी, इट ग्रोज स्लोली, इट सफर्स फ्रॉम ए लॉट ऑफ डिजीजेज, इट ऑल्सो चेंजेज लाइक वेदर। द लीव्स फॉल डाउन व्हेन वेदर चेंजेज, इन द सेम वे ह्यूमन लाइफ ऑल्सो एंड्स, बट द सर्किल ऑफ लाइफ एंड डेथ विल कंटिन्यू, इन फैक्ट देयर इज लाइफ इन डेथ। मनुष्य का जीवन भी ठीक उसी पत्ते की तरह है जो पेड़ से गिरता है। अगर हम मनुष्य के जीवन को पत्ते से तुलना करें तो जिस तरह से एक छोटा सा पत्ता शुरू में निकलता है, ठीक उसी प्रकार से मानव का जीवन भी एक बच्चे के रूप में शुरू होता है। मानव के बढ़ने की रफ्तार भी काफ़ी धीमी होती है, वह धीरे धीरे बढ़ता है। इस दौरान बच्चे या मनुष्य
कई प्रकार की बीमारियों के भी शिकार होते हैं। जिस तरह से मौसम में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी बदलाव होता है। और जब मौसम में परिवर्तन होता है, अर्थात पतझड़ का मौसम आता है, तो पत्तियां गिरती हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का भी अंत होता है। आप कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की शुरुआत बसंत के रूप में होती है और मनुष्य के जीवन का अंत पतझड़ के रूप में होता है। मनुष्य का जीवन ठीक उसी पत्ते की तरह है जो पेड़ की डाली पर लगता है और एक दिन गिरकर समाप्त हो जाता है। पुनः नई पत्तियां उगती हैं और नवजीवन शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में मृत्यु के बाद जीवन आता है, यानी जीवन और मृत्यु का एक वृत्त है, एक सर्किल है जो चलते रहता है। कभी कहते हैं वास्तव में मौत में जीवन है, अर्थात यहाँ पर पुनर्जन्म की जो कल्पना है, जो व्याख्या है, उस बात को दर्शाया गया है। गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यम त्यापो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है, ये शरीर मरणशील है।